सैनी के बस स्टॉप पे, जहाँ पे सैनी की चाट खाने आए हैं। बहुत ही फेमस चाट है यहाँ कौशाम्बी में। तो आइए आपको ले चलते हैं सैनी की फेमस चाट के पास। और ये चाट बनाने वाले भैया हैं। भैया चाट बनाने वाले भैया से पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या भैया? मोनू। अच्छा, तो भैया ये कब से आप ये चाट वगैरह लगा रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल। कितने लोग एक दिन में खा जाते होंगे आपकी चाट? तो बस स्टैंड है यहाँ, बहुत दूर दूर लोग आते रहते हैं, कम से कम डेली 200-250 दुकानदारी ऊपर है, निकल जाए। करीब 200-300 लोग यहाँ की जो चाट है उसका मज़ा लेते हैं इनकी। भैया क्या नाम है आपका? कुर्बान रजा। ये बताइए कब से आप इनकी चाट खा रहे हैं? इसी सैनी ग्राम सभा को हूँ मैं। हाँ, लगभग 3 दशक से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, देख रहा हूँ कि हाँ ये चाट की दुकान लगती है और बड़ी फेमस है, और लोग दूर दराज से, यहाँ कह लीजिए महाराष्ट्र तक लोग आते हैं अपनी चाट खरीद करते हैं और यहाँ पे इसका चाट खा के ही जरूर जाते हैं। पहले ये बताइए कि इसकी शुरुआत किसने करी? मेरे पिताजी के पिताजी। अच्छा, ये बताइए कि आपको चाट बनाना आता है? जी। तो बताइए हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो देख रहे हैं, आप बताइए कैसे चाट बनाते हैं? सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको टमाटर है उसको कटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपका अदरक हो गया, प्याज हो गया, उन सब का तड़का मारना होता है, फिर वो जो हमारा मसाला है वो अपने मसाले का टेस्ट मारता है। ठीक है, जो लोग आपको देख रहे हैं या आपकी चाट का मज़ा ले चुके हैं और जो लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ आइए एक बार, टेस्ट करिए, फीडबैक दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ की चाट कैसी है। चलिए स्टार्ट करते, देखते कैसे बनाती है सैनी की फेमस चाट। मैं इसका सीक्रेट बताएंगे किस तरीके से, इसका क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं? हाथ के बने हुए मसाला है, मार्केट बिकते हैं मसाला, कड़ा लिया पिसाक बनाते हैं सब, आलू मटर टमाटर मटर सब पूरा मिक्स है इसमें। हाँ, और ये आलू टिकिया है, हरी मटर है, कोई अलग मसाला नहीं रहता इसमें? नहीं, अलग कोई मसाला नहीं है, अच्छा आइटम इसलिए टेस्ट रहता है, मिलावटी वाला आइटम कुछ नहीं। हाँ, इसलिए इनका कहने का मतलब है कि जो भी मसाला है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो सब एकदम प्योर होते हैं, कोई भी मिलावट नहीं होती है, इसकी वजह से इनकी चाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो भैया चाट बनाएंगे कि हमको कुछ खिलाएंगे भी? खिलाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं और कैसे बनाते हैं ये चाट। मेरे पास आ चुकी है सैनी की चाट, अब मैं जा रहा हूँ इसको टेस्ट करने और बताऊँगा कैसा है इसका टेस्ट। तो पहले आप देख लीजिए, ये देखने में ऐसी होती है और कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ओनली 30 रुपीज़ में यार क्या ही जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऊपर से मूली डाल रखी है और मेरे ख्याल से हरी धनिया भी है, मूली के पत्ते भी हैं, और जो हरी मटर है वो भी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं लेता हूँ इसका पहला बाइट और देखते हैं, मुझे बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है यार, काफ़ी गर्म है। गर्म भी है, तीखी भी है और थोड़ी सी मिठास कम है, जैसे नॉर्मली मैंने जो चाट टेस्ट करी उसके अंदर खट्टा मीठा दोनों होता है, पर जो उसका फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा नमकीन सा है, मीठा इसके अंदर कम है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी मीठी सॉस और ऐड करा दूँ तो मे भी थोड़ा सा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो मैंने अभी इसमें मीठी चटनी ऐड कराई है, अब देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। और जो इसके अंदर मटर पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा है, यूजली यहाँ पर बाकी जगह मैंने देखा उतनी मटर नहीं डालते जितने यहाँ पर पड़ी है, और मैंने सुना है कि साल में कभी भी आप आइए तो हमेशा आपको हरी मटर यहाँ पे जरूर है। भैया पैसा वसूल, मतलब 30 रुपये में आपको क्या चाहिए? माइंड ब्लोइंग। मेरी तरफ से इसको मिलेंगे 5 में से 3 स्टार, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस इलाके से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसी चाट खाना सच में बहुत ही अमेजिंग है।
तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, 30 रुपये में मेरे लिए वर्थ इट था। आप भी आइए उसको टेस्ट करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।